Oscars! Thank you so much, Ayush. And yes, after a big victory against Sangli District, Sinsonic. Daddy, नजर आ रहे थे कि जब live action शुरू हो तो आपका जज्बा, जोश, जुनून सब कुछ वहाँ देखता हुआ नजर आएगा. लेकिन ये you are referee coach के लिए. Okay then, here we go. It's time for raid number one of the last game of the day. Here we go then. चलिए इशारा आ चुका है. रेफरी साहब कह रहे थे कि मैं भी बोल रहा हूँ, इंतजार करने को कह रहा था कि चलिए इंतजार समाप्त हो चुका, अब वो घड़ी आ चुकी है जब रेड लगानी है. बबलू गिरी पुणे की तरफ से पहले रेड में, सात के डिफेंस में घुस चुके हैं. चहलकर्मी आते ही शुरू कर दिया फुटवर्क, थोड़ा सा बैलेंस डगमगाया जरूर था लेकिन अभी भी लगातार अपने आप को राइट कॉर्नर की पोजिशन के ऊपर बनाए हुए हैं और डीप जाने का प्रयास करेंगे या नहीं, बोनस उनके लिए एक्टिवेट है. कवर्स की तरफ आए जरूर, रनिंग हेड टच करने की मांग है और मुझे ऐसा लगता है कि पहला शिकार जर्सी नंबर बच सके एम्प्टी रेड. या दिस इज सनी फॉर अस. This is Krishna. Yeah, Krishna the brilliant job there. Bonus mila zarur aur uske baad Krishna ek bar fir apni agli raid ke liye ja chuke hain. Krishna Shinde kat kaati bahut zyada lambi hai nahi lekin footwork acha, chauhane ki koshish karte hain. To touch karne ki koshish hai, left corner ke upar wo claim kiya hai. Ji Radhika, look at that. This is Prashant. दबाव होगा, थोड़ा सा दबाव निश्चित तौर पे होगा लेकिन दबाव वही तो ऐसी चीज है ना जिसमें कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं तो कुछ निखर जाते हैं. प्रशांत को निखरने की कोशिश करनी चाहिए, बैक किक लगाने की कोशिश, डैश पे आया, पर्स्यूट हो सकता है लेकिन हुआ नहीं. डू ऑर डाई आई है राधिका, एंजॉय कीजिए. या दिस इज द फर्स्ट डू ऑर डाई रेड. आफ्टर एवरी टू अनसक्सेसफुल रेड्स और एम्प्टी रेड्स, यू नो, यू गेट टू हैव द डू ऑर डाई रेड. यू नीड टू परफॉर्म, अदरवाइज यू विल पेरिश हियर इन अ डिफेंस ऑफ 5. डेफिनेटली अ डिफिकल्ट टास्क. Tiger need to be composed here. Need to be composed and when they lose. के लिए काम आएगा या नहीं? एक रेडर को रिप्लेस करके दूसरे रेडर को बुलाया गया, भूषण को बाहर भेजा, आर्यन को बाहर भेजा गया, भूषण अंदर आया और आते ही रेड के ऊपर 6 के डिफेंस में. बोनस इनके लिए एक्टिवेट है, कितना ज्यादा हाई लाइन डिफेंस खिलाने की कोशिश कर रही है. And it's a do or die raid. The inevitable has come here. So in defense of 4. So this is Raj for us. समय ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं. स्कॉर्पियन केक लगाने की कोशिश, अभी तक कोई संपर्क हुआ नहीं है और भाग्य ने उनका साथ दिया कि योगेश उनसे थोड़े से दूर थे लेकिन योगेश ज्यादा देर तक दूर रहेंगे नहीं. बोथ सक्सेसफुल टैकल्स एंड एज वी से नेक एंड नेक, इट्स लाइक यू नो नियरली 8 मिनट्स इन द गेम एंड 8 पॉइंट्स इन टोटल, 4 पॉइंट्स ईच, सो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनी ऑफ द टीम्स हियर. ऋतिक पाटिल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, उनके सामने पुणे, एक अंक का ये फासला जिसे शायद अभी संघ के साथ रायगढ़ अब उस सिचुएशन से बाहर निकली है लेकिन किस में फंसी, डू और डाई, करो या मरो की स्थिति में. मुझे ऐसा लगा 11 पॉइंट्स इन टोटल, 6 गोइंग इन फेवर ऑफ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, 5 पुणे को मिले हैं. कृष्णा शिंदे अगले रेड के ऊपर वो टो टच की, दिस इट वाज अ हैंड टच, नाउ ही एग्जीक्यूट्स अ टो टच, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू ब्रिंग इन. यू कांट बी प्रेडिक्टेबल इन एवरी मूव, सो दिस इज अ डू और डाई रेड. राज जंगम कम्स इन, will he perform in a defense of 5 again? The scores are level, Ayush. बिल्कुल स्कोर बराबर हो चुके हैं और मौका है राज के पास, अभी तक उन्होंने एक भी पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाला नहीं है. स्ट्रगल अभी भी जारी है और मुझे लगता है कि शायद ये हाथ बाहर से आया भी हो लेकिन उसके बाद उनका पांव अंदर था. यू नो अंडरस्टैंडिंग व्हिच रेडर वुड बी एबल टू इन व्हाट डिफेंस सेटअप द कोच नीड टू हैव फॉर प्रॉफिट, आयुष. और कोच दिमाग तो अपना लगातार चला रहे हैं लेकिन क्या वो खिलाड़ी मैट पे परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है. व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइव इट वाज, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी इट वाज, ऑल्दो ये टच में काउंट होगा. ये जयेश ने गलत, कोच ने ये कहा था कि पहले आप बोनस इतनी आसानी से दीजिएगा मत, बोनस लाइन को कवर करके रखिए, फिर जब 10-15 सेकंड का खेल खेला जाए तो थोड़ा सा डी बनाते हुए.
minutes. We are down with 15 minutes game, Ayush. But then, I mean, this music itself is so intense. In a super tackle situation, Bhushan comes in and he sweeps it out of the game. But here, Raigad needs to perform and it's a do-or-die. Here, you definitely need to perform. In a defense of 7, opportunity is there to clear the bonus. राइट कॉर्नर से लगातार एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी टीम को आप मुश्किलात में ला रहे हैं। हालांकि लीड आपके पास पूरे 5 अंकों की, 2.5 मिनट का खेल पहले आप में खेला जाना बाकी। इनके पोजीशन के खिलाड़ी वो राइट इन पे आप देख सकते हैं घुटना टेक के खड़े हैं, बाकी सारे खिलाड़ी अभी भी अपने कदमों के ऊपर जरूर है। डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश है, हाथ को एक्सटेंड करना होगा, क्या वो हाथ का एक्सटेंशन आया? यहाँ से मुझे कहीं नहीं लग रहा कि हाथ एक्सटेंड होकर बाहर की तरफ आए और कॉम्बिनेशन तो 6 है। रेड करते हुए ज्यादा सपोर्ट उनको मिला नहीं, 10 पॉइंट पुणे डिस्ट्रिक्ट ने रेड करते हुए निकाले, 2 टैकल पॉइंट सामने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम है। मुकाबले की शुरुआत में कुछ वो क्षण हमें देखने को मिले जहां शेयर डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की गई थी डिफेंडर्स की, और अद्भुत टैकल्स के साथ अद्भुत डिफेंस के साथ में अच्छा काम कर देगी जो टीम वही आगे बढ़ेगी। और हम सभी जानते हैं कि डिफेंस और एग्रेशन दोनों आपको कंबाइन दिखाने पड़ते हैं, टैकल पॉइंट बहुत ज्यादा फासला है नहीं, लेकिन रेड वही सबसे बड़ा डिफरेंस बन के आई है और वो पुणे के पक्ष कवर नहीं कर पाएंगे। रायगढ़ का भी अब जो पार्ट है वो 10 पे हो जाएगा, डबल डिजिट्स में आ चुके रायगढ़। ओ झपट्टा, इससे तगड़ा झपट्टा दिया आजकल की कबड्डी में। Absolutely, you know, that was a coordination between the cover and the right corner defense as well. You know, the cover went for the chain tackle, the right corner was available to take care of the lower body. So that needs a proper planning when you understand the Raiders' skills. You know, the defense needs to study and acknowledge accordingly. Long empty raid. If you intend to have an empty raid, just have a quick empty raid and come back. कृष्णा शिंदे, 3 पॉइंट इन्होंने रेड करते हुए अपनी टीम के लिए लिए, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बनते हुए धीरे धीरे नजर आते हैं जैसे। So that also gives a confidence into the referees as well. अगली रेड रोहतक की, 16-12 4 अंकों का ये फासला जो कि पुणे के पक्ष में जा जरूर जाए। क्या ये रेड पक्ष में जाएगी या नहीं? मुझे लगता है मल्टीपॉइंट, क्या ये इनकी डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है या ये वो सेकंड रेड है? नो, दिस इज रेड नंबर 2, पिछली वाली एम्प्टी गई थी। और क्योंकि कबड्डी के नियमों के अनुसार दरअसल किसी भी टीम की तीसरी रेड खाली नहीं जा सकती, 2 खाली चली गई तो तीसरी में आपको अंक लाना पड़ेगा। पिछले 5 में ये 4 अंक लेकर आ चुके हैं, अच्छे सक्सेसफुल रेडर है, लेकिन एंकल होल्ड थाई के ऊपर। एंड यस, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द डू ऑर डाई रेड एंड कृष्ण शिंदे। इन द लास्ट 5 रेड्स ही वेंट एम्प्टी फॉर द 4 टाइम्स एंड जस्ट गॉट 1 रेड पॉइंट। सो इट्स वेरी वेरी एविडेंट दैट यू नो पुणे इज आल्सो प्लेइंग ऑन डू ऑर डाई रेड, and the do or die raid has come, so he need to perform. भगत एक बार के थोड़े से बॉडी को डिसबैलेंस हो गए थे, मुश्किलात का सबब ऑलरेडी कवर की पलते एंकल होल्ड के उसी के चलते रायगढ़ की डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो ज्यादा फासले को होने दे नहीं रही है। You know, when it's a do or die raid, at least a try and attempt is within the 15 seconds. Otherwise, the raider would definitely be under pressure. That's what happened. You know, he waited for the 27th second. डिस्ट्रिक्ट के डिफेंस को जो कहा गया था कि एटलीस्ट वो इजी बोनस मत दीजिएगा, वो उन्होंने दिया नहीं है। सुपर टैकल की सिचुएशन है, 2 पॉइंट लाने वाले राज अब रेड के ऊपर राधिका। एब्सोल्युटली, एंड अ सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, विल ही फाइंड गैप? ही डिड फाइंड द गैप, गुड वन। लुगिरी लगातार इनसे रेड कराई जा रही है और कोई ऑप्शन पुणे की टीम के पास है भी नहीं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उनके डिफेंस को जो काम करना था वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई लाइन डिफेंस, बोनस निकालने की कोशिश नहीं, डाइविंग एफर्ट जरूर लगाए थे लेकिन फिर वो चेन टैकल। इट डजंट एंड इट इज एन इजी पॉइंट। आई थिंक इट्स ओनली वाइज फॉर पुणे टू गिव अवे द पॉइंट रादर देन जस्ट किलिंग दोस सेकंड्स एज वेल। यू नो, 1 वर्सेस 1, इट्स ऑलवेज अ अपर हैंड फॉर द रेडर। You know, what was the point just waiting those 15-20 seconds got the better of the raider in 1 versus 1? You know, other than that, you know, we have hardly seen any. अकेला खिलाड़ी ओपन इनको अकेले को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो बॉडी मोमेंटम हमेशा काम आता है, लेकिन इस बार शायद वो सिचुएशन बेहतर हो जाती, वो उनका सुपर 10 कंप्लीट हो जाता। डू और डाई की सिचुएशन में कृष्णा शिंदे ने अपने साथी खिलाड़ी को, अपने साथी रेडर को ये कहा कि मैं जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि उनको पता था या नहीं था कि ये डू और डाई की परिस्थिति है, लेकिन अब आप बच चुके हैं, 4 पॉइंट ऑलरेडी आपने रेड करते हुए निकाल लिए, या तो 5वां करके जाइए या मैच छोड़ के बाहर जाइए। लेफ्ट से राइट शफल कर रहे हैं, डिफेंडर्स को नचाने की कोशिश कर रहे हैं, बोनस चुराने का प्रयास है, लेकिन जिस तरीके से जाए फॉर रायगढ़ डू और डाई रेड,
in a defense of 6, the right raider Prashant. He just had one raid point. You know, this is the right strategy of Raigarh. Though you have the performing... मुझसे 2 साल बड़ा था. Let's enjoy the raid. पुणे की टीम बबलू के लिए अगली रेड के ऊपर वो कोच ने कई चीजें समझाई है कि जब राइट रेडर आए तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, लेफ्ट रेडर के सामने किसको अटैक करने जाना है. फ्रंट ब्लॉक कॉर्नर की पोजीशन से वो फ्रंट ब्लॉक जयेश का एक बार फिर आया. रायगढ़ की टीम टू और डाई की सिचुएशन ही पकड़ लीजिए आप पुणे की टीम के लिए. सिर्फ 2 खिलाड़ी मैट पे, सुपर टैकल जरूर ऑन है लेकिन यदि एक भी खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो मुश्किलात का सबब पुणे की टीम ऑल आउट के पास आ जाएगी. बचे हुए 6 मिनट में वापसी करना इतना आसान रहेगा नहीं. डबल एंकल होल्ड और सामने से अच्छा ब्लॉक. अनुज ने तगड़ा सपोर्ट दिखाया है. डबल एंकल होल्ड से पार पाना कभी भी आसान होता नहीं है. आपकी बॉडी जो आपने देखा था हर तरफ से कवर किया जाता है. रेड पुणे की तरफ से है और अब रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ ये जो खेमा आपको देखने को नजर आ रहा है प्रशांत यादव. 3 इन्होंने पॉइंट्स अपने टीम के लिए निकाले सुपर टैकल के सिचुएशन में. एंकल के ऊपर धावा बोला जरूर है लेकिन in the last 5 raids nothing has been given to him. He's been tackled twice by Raigarh and 3 were the empty raids, and this time around he claims and jumps into the lobby very very confident. Don't go for the empty raids, attempt for the bonus and that should be quick enough and play in the defense, and this is the opportunity that they can get those 2 points. And will they? Wow, what a beautiful initiative. Next 2 raids, it would be an empty raid for Raigarh. So definitely Pune's raiders need to perform. अब दुर्भाग्य इनका ये है कि इनके पास में बोनस की अपॉर्चुनिटी थी नहीं. स्ट्रगल के अंदर गए, डू और डाई के सिचुएशन थी. रेड करते हुए परस्यूट करते हुए नजर आए, अपने ओपन एंड के खेमे में घुस गए लेकिन क्या उस खेमे में से पॉइंट निकाल के ला सकते हैं? अभी नहीं तो फिर मान लीजिए इस मुकाबले में तो कभी नहीं. या कृष्ण शिंदे एंड और देयर इज लिटिल कंफ्यूजन, देयर वाज अ गैप. रेडर से 1 पॉइंट. मैं मैसेज करके बताऊंगा कि इन्होंने वो 15 सेकंड वेस्ट किए थे. 1 पॉइंट रेड फॉर रायगढ़. नाउ हियर ही विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम एंड इन द लास्ट फ्यू सेकंड्स ही विल गो एंड अटेम्प्ट. यू नो दिस इज व्हाट इट इज. यू नो व्हेन टू किल द टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रेड इज आल्सो इंपॉर्टेंट. यू नो इफ इट्स अ डू ऑर डाई रेड एंड यू आर लीडिंग एट द एंड ऑफ द मैच then it's okay, waste your time and then go for the kill. ऋतिक के लिए एक मौका भी है. यदि वो 1 पॉइंट अपने टीम के लिए ला सकते हैं तो वो सुपर 10 में से 29 में से चलिए 10 अंक एकमात्र रेडर के. Absolutely, and that's the final thing. Pune, you know, Pune loses their first match of this edition. Match over. Over Raigarh now. But then they have lost it with Patil, जिन्होंने 10 पॉइंट अपनी टीम के नाम किए. प्रशांत यादव 5 अंक ये खिलाड़ी भी लेकर आया और जय राज ने भी अच्छा वहां परफॉर्म करते हुए अपनी टीम के लिए सपोर्ट दिखाया था. लेकिन डिफेंडर्स जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, चाहे वो जयेश हो चाहे उनका साथ निभाने वाले अजय मौर्य या बीच बीच में वो टीजर देने वाले भगत और विराज जो कवर की पोजिशन के ऊपर खड़े रहे थे. और फिर ये वो दौड़ लगाई गई थी, स्काई डाइव भी मारी गई थी लेकिन कोई टच देखने को मिला नहीं और उसी के चलते ये मुकाबला धीरे धीरे विद ईच एंड एवरी किलिंग सेकंड वेंट इन फेवर ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट. एब्सोल्युटली, यू नो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वी टॉक अबाउट प्लेयर्स दे स्टार्टिंग ऑफ स्लो बट देन वंस दे गॉट द मोमेंटम दे हैंग ऑन टू इट. फुल टाइम के बाद स्कोर की यदि बात की जाए तो 26-29 3 अंकों का वो पासा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पक्ष में ये मुकाबला समाप्त. वोमेंस निकाल के दिए, बेस्ट रेडर आज के इस मुकाबले के रहने वाले हैं. 18 बार रेड करने के लिए गए, 10 रेड पॉइंट लेकर आए, स्ट्राइक रेट 55 का था. यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग इन द डिफेंस. इट्स अजय मोरे.